हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पायल गुड़िया। भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जहां कुछ लोग बेहद ही खुश हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और ज़ायरा वसीम की फिल्म द स्काई इज पिंक की डायरेक्टर सोनाली बोस ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा है। सोनाली ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदी को अब 2 हफ्ते हो गए हैं और मेरा दिल भारतीय लोकतंत्र पर काले बादल गहराते देख भारी हो रहा है। घाटी में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर मेरा दिल हमेशा दुखता है। मासूम लोगों को मारना ये नई बात नहीं है, लेकिन इस सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं हर एक मराठी, तमिल और गुजराती लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगेगा अगर केवल एक रात में आपके राज्य के टुकड़े कर दिए जाए और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। अनुच्छेद 370 को किनारे रख भी दें तो भी सच्चाई के साथ इसका जवाब दीजिए। सोनाली बोस ने आगे कहा कि मेरा इस असंवैधानिक कृत्य पर गुस्सा अब दुख में बदल चुका है। मैं सोचती हूँ कि हमारे अपने देश के लोग वहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं पर्सनली वहाँ पर किसी को पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब वहाँ मेरी एक बच्ची है, ज़ायरा वसीम। द स्काइज इज पिंक का दिल और आत्मा, मैं उसे और उसके परिवार को करीब 1 साल से जानती हूँ। मैं ये सब होने से एक दिन पहले जम्मू में उसके साथ थी। ज़ायरा ये सोचकर बहुत परेशान थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि तब मैंने उसे ढांढस बंधाया था कि कुछ भी बुरा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं उसके पास इस मुश्किल समय में नहीं पहुंच पा रही हूं। इसको लेकर मैं काफी परेशान हूं। मैं जानती हूं कि उन्होंने ईद नहीं मनाई होगी। हम ये कहकर एक दूसरे से अलग हुए थे कि हम हमेशा टच में रहेंगे। हालांकि मैं अपनी बच्ची तक नहीं पहुंच पा रही हूं। तो देखा आपने, सोनाली बोस ने न सिर्फ सरकार के इस फैसले पर अपनी भड़ास निकाली है, बल्कि ज़ायरा वसीम को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो अल्लाह से दूर हो रही हैं, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया था। वैसे आप सोनाली बोस की बातों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।